नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नए संसद भवन का उद्घाटन की तैयारियों को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। महीने भर पहले ही पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य को जानने के लिए खुद निरीक्षण किया था। माना जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में नए संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान के तहत मंगलवार को 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। देश भर में 45 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने के साथ ही उन्हें वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही रोजगार मेलों के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र का आंकड़ा 3,59,000 पर पहुँच जाएगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। मेटा कंपनी ने व्हाट्सएप में नया फीचर जोड़ा है, जो यूजर्स को पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके खास चैट को लॉक करने की अनुमति देता है। इस फीचर को चैट लॉक नाम दिया गया है। यह फीचर बातचीत को लॉक करने के अलावा चैट को एक अलग फोल्डर में स्टोर करेगा। साथ ही यह नोटिफिकेशन में नाम और वास्तविक संदेश को भी गुप्त रखे। लॉक किए गए चैट को केवल प्रमाणीकरण के बाद ही देखा जा सकेगा। युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने और इसे रोकने के लिए लड़ने की प्रेरणा देता एक ऐप मेरी लाइफ केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी की गई है। यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ से प्रेरित है। इसमें लाइफ फॉर एनवायरनमेंट के विचार के साथ ही संसाधनों के संयमित उपयोग और बर्बादी रोकने की बात भी कही गई है। वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल अंतरिक्ष की सबसे बड़ी और अजीब पहेली है। इससे वैज्ञानिक इससे जुड़ी अंतरिक्षीय घटनाओं की गुत्थियों को सुलझाने में जुट जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल में ब्लैक होल के भीतर होने वाले विस्फोट को लेकर चेतावनी दी। उनका कहना है कि ब्लैक होल में हो रहे ये विस्फोट पृथ्वी के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 3 साल में ब्लैक होल में नए नए लक्षण देखे गए हैं। इससे ब्रह्मांड में फिर बड़े विस्फोट की आशंका बन रही है। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अक्टूबर में होने वाले नेशनल गेम्स कई वेन्यू पर खेले जाएंगे। इस बार नए गेम्स में गतका को भी शामिल किया गया है, जिस पर नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और खेल तकनीकी कंडक्ट समिति को धन्यवाद कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों की समीक्षा के लिए 18 मई से 2 दिवसीय बैठक आयोजित करेगा। एक बयान में सोमवार को कहा गया है कि एनसीएससी का प्रतिनिधिमंडल अपने अध्यक्ष विजय सांपला के नेतृत्व में बिहार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मंत्रालयों के प्रधान सचिवों और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बिहार के बांका जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम धरती के नीचे दबे सोने का अपार भंडार की खोज में पहुंच गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक टीम के चेहरे पर चमक बता रही है कि उक्त स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सोने का भंडार छुपा है। सोमवार को जिले के कटोरिया प्रखंड स्थित जयपुर गांव में टीम ने सिंगल ड्रिल मशीन के जरिए लगभग 100 फीट ड्रिल किया। मंगलवार की सुबह से ही हेवी वाटर प्रेशर मशीन को कनेक्ट कर अन्वेषण कार्य शुरू किया गया। अन्वेषण कार्य में लगे भूवैज्ञानिक अन्वेषण में निकले सामग्री को लैब टेस्ट के लिए संग्रह कर रहे हैं। राजधानी पटना से सटे मसौरी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। गौतम का परिवार गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आता है और इस विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय है। इस बात की जानकारी प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और डेक्स ट्रेडिटी ग्लोबल के संस्थापक और CEO शरद विवेक सागर ने ट्वीट करके दी है। 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवानों की मांग धीरे धीरे पूरी होती जा रही है, पर उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं से प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 3 पहलवान ने यौन उत्पीड़न की जांच कर रही जांच पैनल पर सवाल उठाते हुए और नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि पैनल द्वारा उत्पीड़न मामले में ऑडियो वीडियो सबूत देने को कहा गया है। इस दौरान हमारे बातचीत की रिकॉर्डिंग तक बंद कर दी गई थी। वहीं 6 लोगों के पैनल के एक सदस्य ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पिता की तरह है, उनकी ओर से किए गए व्यवहार को गलत समझा गया है। मणिपुर के अचवाजांग गांव के निवासियों ने एकता और सद्भाव का संदेश देने के लिए अपने घरों के बाहर सफेद झंडे लगाए हैं। यह मणिपुर राज्य में मैतेई और कुकी के बीच मतभेद मिटाने का प्रयास है। राज्य में हाल ही में हुए 2 जातियों के बीच झड़प की स्थिति तनावपूर्ण है। इसमें 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। राज्य के गाँव ने अपने निवासियों को सफेद झंडे दिखाते हुए एकता और सद्भाव का संदेश दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि ताश से खेले जाने वाले रमी का खेल जुआ नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस SR कृष्णा कुमार ने कहा है कि खेल में पैसा लगाने या ना लगाने के बावजूद रमी एक स्किल का खेल है और ना कि मौके का। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर CBI ने NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत पर निशाना साधा गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने रिपोर्ट को लेकर कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा की निंदा करे। यह रिपोर्ट पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक एक महीने पहले आई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी मुंबई पहुंच रहे हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले और ऑब्जर्वेशन के नजरिए से भगत सिंह कोश्यारी का मुंबई दौरा महत्वपूर्ण है। कोश्यारी अगले 3 दिन मुंबई में रहेंगे और वो राजभवन में ठहरेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बीजेपी नेता कृपा शंकर सहित बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में एक रोजगार मेला में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी बात कही है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने आज मंगलवार को पाकिस्तानी सेना अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के साथ साथ सैन्य प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में हनुमत कथा चल रही है। इसे लेकर बिहार के सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बागेश्वर बाबा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि धर्म आस्था का विषय नहीं है, न दिखावे का है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर परिसर के ASI सर्वे की याचिका को जिला कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट की ओर से याचिका मंजूर किए जाने के बाद हिंदू पक्षकार की ओर से सर्वे से संबंधित दावेदारी की गई है। ज्ञानवापी कैंपस के ASI जांच को मंजूरी दिए जाने की बात कही है। हिंदू पक्षकार की ओर से दी गई याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट ने 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुकेश ने अपने वकीलों के साथ जेल में प्रतिदिन 60 मिनट के लिए कानूनी मुलाकात करने की मांग की थी। सुकेश के वकील ने दलील दी कि उसके खिलाफ देशभर में 28 मामले लंबित है, इसलिए हफ्ते भर में 2 बार 30 मिनट की मीटिंग काफी नहीं है। ऐसे ने सुकेश के वकील की दलील को खारिज करते हुए कहा है यह वो एक असाधारण आदेश नहीं दे सकते हैं। कर्नाटक के सीएम रेस में एक और नया नाम सामने आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस को सिद्धारामैया और DK शिव कुमार में से किसी एक नाम को तय करना है, लेकिन अब इस बीच राज्य में तुमाकुरु में जी परमेश्वरन के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तमिलनाडु में राज्य परिवहन निगम की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़े एक नौकरी घोटाले के लिए नकदी की नए सिरे से जांच का निर्देश दिया गया था। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आयोग जांच को आगे बढ़ा सकता है। नए सिरे से जांच की अपील की अनुमति दी जाती है। नए सिरे से जांच के लिए जारी निर्देशों को खारिज किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में मामले पर सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद एक स्थानीय बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी 10 दिन के दौरे पर 31 मई को अमेरिका पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में करीब 5,000 भारतीय प्रवासियों की रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही वह वाशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे। जून में ही पीएम मोदी का भी अमेरिका जाने का कार्यक्रम है। दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार इलाके अमृता स्कूल में मेल के जरिए बम ब्लास्ट करने की सूचना मिली है। धमकी भरा मेल सुबह 6:35 पर स्कूल प्रशासन को मिला। दिल्ली पुलिस ने स्कूल को खाली करा दिया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात में जिला जज कैडर में जजों के प्रमोशन पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। हाईकोर्ट ने 15 मई को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए 40 जजों का प्रमोशन रद्द कर दिया था और उन्हें पुराने पदों पर वापस भेज दिया। अब एक दिन बाद ही 16 मई को यह जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कहा है कि प्रमोशन के बाद डिमोशन बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच की निष्पक्षता पर संदेह जताया है। वरिष्ठ वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ट्वीट में सिब्बल ने कहा है कि जांच पहलवानों का यौन शोषण कुछ जांच आरोपी को दंडित करने के लिए चलती है, अन्य आरोपी को बचाने के लिए। जिस तरह से यह जांच चल रही है हम जानते हैं। CBI ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और सेना के बारे में कथित रूप से संवेदनशील जानकारी एकत्र करने और उसे विदेशों की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप में एक स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने कहा है कि विवेक रघुवंशी के खिलाफ ऑफिशियल
सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की भी प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई। आज डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, एमडी, साकिर हुसैन, नौशाद रजा, अकबर अंसारी, नुन्नू गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।